हमारा इंटेंशन जाम में तोड़ने आके उठ जाता है। घटनाओं को जांच करके उचित निर्णय लेने का जी। उसी क्रम में हम आए हैं, हम सुपरविजन कर रहे हैं। जो दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, जो निर्दोष होंगे उनको मुक्त कर दिया जाएगा। जो बुजुर्ग हैं, जो बाहर हैं, उन पे बुजुर्ग हैं उन पर हम उनको इसकी परिस्थिति जन्य साक्ष्य उपस्थापित करेंगे कि क्या वे वहां गए थे या नहीं गए थे। अगर वे गए थे तो वे भी दोषी हैं, भीड़ में उपस्थित होना भी दोष है। अगर नहीं होंगे तो उनको दोष मुक्त। जो बाहर गए रह रहे हैं उन पे उसके विरोध में हम लोग दस्तावेजी साक्ष्य के आधार में उन लोग से मांगा गया है कि अगर बाहर हैं तो उसका हम लोग को प्रूफ दीजिए, उस पर विचार करेंगे हम। लीगल जो विधि सम्मत होगा उस हिसाब से निर्णय। हम लोग के ऊपर बच्चे मरे हैं, पानी की किल्लत हुई है, ये सारे समस्या जो हमारे जो डॉक्टर या वीडियो सीओ ये सब नेता विधायक नहीं सुने हैं, तब हम लोग रोड पर गए हैं। इसमें बुराई के क्या सवाल है? हमारा जब दुख पड़ा, हमारा बाल बच्चे मरे, तब हम लोग पूरे जनता मिलकर रोड पर गए। इसमें जो कुछ लोग है पैरालिसिस के अधीन है उनको भी नाम आ गया है, जो दमा परसेंट है मतलब हार्ट परसेंट है उनको नाम दे दिया गया है, जो प्रदेश है उनको नाम दे दिया गया है। तो मान लीजिए हमारे बच्चे मरे, हम वीडियो साहब के कहे नहीं सुने, तब ना हम लोग रोड पर गए। हमारा समस्या का निदान होता तो हमको रोड पर जाना कोई मानता। अभी जो आए हैं, अभी जो अधिकारी आए हैं उनके काम से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, नहीं, नहीं। हमारा केस जब तक क्लियर पूरे जनता के नहीं हो रही है तो हमें संतुष्टि नहीं है।